पहले के वीडियोस में आपने मैटर की तीन स्टेट्स सॉलिड लिक्विड और गैस के बारे में जाना था, लेकिन क्या आपको पता है कि मैटर की एक और स्टेट होती है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। अपने इस वीडियो में हम प्लाज्मा के बारे में जानेंगे। आइए हम बर्फ से सोचना शुरू करते हैं। जब बर्फ को हम गर्म करते हैं तो ये मेल्ट होकर पानी बनती है। ये सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में बदल गई है। आप जानते हैं कि सॉलिड में सभी पार्टिकल्स फिक्स्ड पोजीशन पर क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसीलिए उनका शेप और वॉल्यूम फिक्स होता है। लिक्विड में भी पार्टिकल्स एक दूसरे को टच करते हैं और एक दूसरे के चारों ओर घूमते रहते हैं, इसलिए लिक्विड्स की वॉल्यूम भी फिक्स होती है, लेकिन ये उनके कंटेनर का शेप ले सकते हैं। जब पानी को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो ये किस स्टेट में बदलता है? रुकिए, सोचिए और जब रेडी हो तो कंटिन्यू कीजिए। आंसर है, पानी लिक्विड से गैस में इवेपोरेट होता है और वाटर वेपर्स बनती हैं। गैस के पार्टिकल्स सॉलिड और लिक्विड की अपेक्षा बहुत दूर दूर होते हैं और ये कंटेनर के शेप और वॉल्यूम में ढल सकते हैं। कुछ सब्सटेंसेस की गैसेस फॉर्म को हम लगातार हीट देते रहें तो इनकी स्टेट में एक और चेंज हो सकता है। ये सब्सटेंसेस गैसियस स्टेट से मैटर की चौथी स्टेट में चले जाते हैं, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। इस प्लाज्मा स्टेट को अचीव करने के लिए हमें बहुत ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ती है। जब हीट प्रचुर मात्रा में हाई होती है तो एटम्स से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल आते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस बनते हैं। हालांकि यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के पार्टिकल्स होते हैं, फिर भी ओवरऑल प्लाज्मा न्यूट्रल होती है क्योंकि दोनों तरह के चार्ज्ड पार्टिकल्स बराबर मात्रा में होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण सब्सटेंसेस अपनी प्लाज्मा फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। प्लाज्मा की यही प्रॉपर्टी इन्हें गैसेस से अलग करती है। सभी गैसेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती जबकि प्लाज्मा करती है। प्लाज्मा के प्राकृतिक स्वरूप है बिजली और नदन लाइट्स। पृथ्वी से दूर चलें तो तारे भी प्लाज्मा फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। वास्तव में तारे सिर्फ प्लाज्मा के गर्म गोले ही होते हैं। फ्लोरोसेंट लाइट बल्ब और नियॉन साइंस में भी प्लाज्मा होती है। फ्लोरोसेंट लाइट बल्ब में मरकरी वेपर और नियॉन साइंस में नोबल गैसेस में एक इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, तो ये गैसेस को इतना हीट कर देता है कि इलेक्ट्रॉन एटम्स से अलग होने लगते हैं, जिससे प्लाज्मा क्रिएट होती है। प्लाज्मा स्क्रीन टीवी मैटर की इसी स्टेट के कारण संभव हुए हैं। प्लाज्मा स्क्रीन हजारों छोटे छोटे डॉट्स से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें पिक्सल कहते हैं। ये तीन फ्लोरोसेंट लाइट इलेक्ट्रोड से बने होते हैं जो कि लाल, नीला और हरा रंग एमिट करती हैं। इन तीनों रंगों के कॉम्बिनेशन से हमें कोई भी रंग मिल सकता है। यही कारण है कि हम स्क्रीन पर सभी रंग देख सकते हैं। पिक्सल्स की संख्या जितनी ज्यादा होगी, रेजोल्यूशन भी उतना ही ज्यादा होगा और इमेज ज्यादा शार्प और डिटेल्ड होगी।